डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बिशप एकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड एस्टिमेशन नियरेस्ट राउंड नंबर 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट एक्सेट्रा। टुडे एस्टिमेटिंग द सम्स एंड एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट्स, यानी सम और प्रोडक्ट को कैसे आप एस्टिमेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एस्टिमेट द सम 64 प्लस 79 टू द नियरेस्ट 10, यानी इसको एस्टिमेट करना है, इस सम को एस्टिमेट करना है। तो रिक्वायर्ड एस्टिमेशन, एस्टिमेशन इक्वल टू, अब इसमें आप देख सकते हैं 64, तो 64 यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 4, जो कि लेस देन 5। तो इस कंडीशन में 10 डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 6 ही रहेगा और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। जबकि 79 यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यूनिट डिजिट 9 मोर देन 5 है, तो 10 डिजिट में चेंज होगा, यानी 1 यूनिट या इंक्रीज करेगा, टी हो जाएगा 8, 0 80। 60 प्लस 80 दोनों को ऐड कर लें, 140, यही इसका रिक्वायर्ड एस्टिमेशन हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इनको ऐड कर लें तो 64 प्लस 79 ऐड कर लें, 9 प्लस 4 13, और 7 6 13, और 143। अब 143 इसका, इसको राउंड फिगर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 3 है, लेस देन 5, तो इस कंडीशन क्या हो जाएगा, या 140, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, इस्टीमेट द सम दिस एंड दिस टू द नियरेस्ट 100, रिक्वायर्ड एस्टिमेशन, रिक्वायर्ड एस्टिमेशन इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है, नियरेस्ट 100, तो इसमें आप क्या देखेंगे, 10 डिजिट क्या है, तो इसमें 10 डिजिट 7 है, जो कि मोर देन 5, तो इस कंडीशन में 100 डिजिट चेंज हो जाएगा। यानी जो भी डिजिट चेंज करना है, उसके पहले वाले डिजिट को आप देखेंगे, वह अगर मोर देन 5 आर इक्वल टू 5 है, तो वह डिजिट चेंज हो जाएगा, यानी उसमें 1 इंक्रीज होगा। अगर वह डिजिट, उसके पहले वाला डिजिट लेस देन 5 है, तो उस डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 10 डिजिट क्या है, 7, जो कि मोर देन 5 है, तो यह डिजिट यानी 100 वाले डिजिट में एक चेंज हो जाएगा, 300। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, इसमें देख रहे हैं 10 डिजिट 4 है, लेस देन 5, तो इस कंडीशन में यूनिट डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी 140 नहीं बल्कि यह क्या हो जाएगा, 100, उसके बाद वाले को 0 0 कर लेंगे, तो 300 प्लस 100 इक्वल टू 400। एंड लास्ट, इस्टीमेट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस टू द नियरेस्ट 100, तो इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एस्टिमेशन, इक्वल टू 673 नियरेस्ट 100, 100 वाले चेंज करना, तो इसमें 10 डिजिट को आप देखेंगे 7 है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इसमें इंक्रीज करेगा, 700, माइनस यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या, 10 डिजिट 5 है, तो यह 100 डिजिट क्या हो जाएगा, चेंज होगा इसमें, यानी 300, तो 700 माइनस 300 दैट इज 400 वैल्यू हो जाएगा। 258 है, 100 डिजिट को इसमें चेंज करना, तो इसमें देख रहे हैं 10 डिजिट मोर देन आर इक्वल टू 5 है, तो 100 डिजिट में चेंज होगा, यानी 1 इंक्रीज करेगा इसमें, तो 1 इंक्रीज करेगा 3, बाकी सब 0। ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाले कंडीशन में, नेक्स्ट एग्जांपल, एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट एस्टिमेटिंग
द प्रोडक्ट, फर्स्ट एग्जांपल एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 42 एंड 58, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 42 into 58. सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ 42 and 58. सेकेंड एग्जाम्पल नंबर टू, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 367, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 367 इंटू 231 बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड. नियरेस्ट हंड्रेड में इसको राउंड करना है और इसको नियरेस्ट 10 यहाँ टू ही डिजिट का नंबर है तो इसमें क्या होगा 42. अब इसमें यूनिट डिजिट देख रहे हैं क्या है, लेस देन 5. तो इस कंडीशन में 10 डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा यानी 4, और यह आपका हो जाएगा 0. इंटू सेकेंड नंबर है 58, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या देख रहे हैं, मोर देन 5. तो इस कंडीशन में 10 डिजिट चेंज हो जाएगा, 5 की जगह पर 6 हो जाएगा और यह 0. तो 40 into 60 4 6 24 0 0, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा नियरेस्ट एस्टिमेटिंग नंबर. ऐसे सेकंड एग्जांपल, इसको 100 वाले चेंज करना है, नियरेस्ट 100 में चेंज करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 डिजिट क्या है 6, जो कि मोर देन 5 है, तो 100 डिजिट में चेंजिंग होगा या 4 0 0. ऐसे इसमें 10 डिजिट 3 है जो कि लेस देन 5 है, तो 100 डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा 2, बाकी सब 0 हो जाएंगे. मल्टीप्लाई कर लिया जाए 4 2 8 0 0 0 0, ये रिक्वायर्ड नंबर हो जाएंगे. इस तरह इनको आप सॉल्व करेंगे फेयर कॉपी में. थैंक यू.